हम जो होंगे हम दोनों होंगे आप ही लायक होंगे ना मेरे भाई। तो पेज में आ जाता है ना नीचे। ये पेज में आ जाता है ना। दो दिख रहा है कोई नहीं, सेव स्क्रीन कर देते, वीडियो छोड़ देते। नमस्कार आप सभी को, गुड नून। आई एम धीरन मेशवानिया फ्रॉम केवी लमडिंग। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, अवर सीनियर मोस्ट टीचर मिस्टर महावर सर, स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स, एडमिशन कमिटी, और आज विद्यालय में क्लास वन का एडमिशन जो होने वाला है उसके लिए आज लॉटरी का लाइव प्रोग्राम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास वन एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में फॉर्म फिलअप करना था। 7 तारीख 7 अगस्त 2020 उसका लास्ट डेट था। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं। हमारे विद्यालय में 2 सेक्शंस है, एक सेक्शन में 40 सीट, ऐसा हिसाब करके 2 सेक्शन में 80 सीट्स टोटल विद्यालय में अवेलेबल है, प्लस सिंगल गर्ल चाइल्ड का मिला के टोटल 84 एडमिशंस जो है अभी फर्स्ट राउंड में होने हैं। आज लाइव लॉटरी होगा, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं वो सीट्स, वो एप्लीकेशंस ज़्यादा आए हैं, सीट्स कम है, इसलिए लॉटरी में जो सीक्वेंस मिलेगा वो सीक्वेंस के हिसाब से बाद में एडमिशन दिया जाएगा प्रोविजनली। लॉटरी जो हो रहा है उसका लाइव डेमो फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब में टेक्निकल ग्लिच की वजह से यूट्यूब में स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। लॉटरी में, लॉटरी के पहले जो सीक्वेंस होगी एप्लीकेशंस की, उसको एक सीरियल नंबर मिलेगा। जैसे ही 12:30 टाइम होगा मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा,
उसमें बच्चों के लिस्ट होंगे, कैंडिडेट्स के लिस्ट होंगे, आफ्टर दैट लॉटरी किया जाएगा। लॉटरी का जो सीक्वेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो सीक्वेंस में लॉटरी करने के बाद जो पोस्ट लॉटरी लिस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब लॉटरी करने के बाद जो लिस्ट बनेगा उसमें भी एक सीरियल नंबर दिया जाएगा। तो पोस्ट लॉटरी सीरियल नंबर जो मिलेगा वो एडमिशन के लिए वो लिस्ट जो है वो प्रोविजनली माना जाएगा। आफ्टर दैट आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एडमिशन फॉर्म, ये सब प्रोसीजर होगा। तो अभी जो आज हो रहा है वो सिर्फ लॉटरी है, मतलब जो एक लिस्ट जनरेट होगा ऑटोमेटिकली जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है उसमें जो लॉटरी का लिस्ट जनरेट होगा ये प्रोसेस आज हम करेंगे। लेकिन ये एडमिशन नहीं है, ये सिर्फ लॉटरी का रिजल्ट होगा। हमारे विद्यालय के लिए लॉटरी का जो टाइम है वो 12:30 से 1:30 है। तो 12:30 के बाद जो है हम एक के बाद एक लॉटरी करेंगे। लॉटरी का जो सीक्वेंस है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आरटीई का लॉटरी होगा। आरटीई के लिए हमारे विद्यालय में दो सेक्शन का कुल मिला के 20 सीट्स है। उसके बाद जो है ये किसी ने मैसेज तो किया है कुछ। अभी मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, आप देख नोटपैड आ रहा है स्टार्ट में ही। नोटपैड हाँ आ गया, चल रहा है, साउंड आ रहा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, विद्यालय में 20 सीट्स आरटी के लिए है, राइट टू एजुकेशन 20 सीट्स। सबसे पहले उसका लॉटरी होगा, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं कैंडिडेट्स से उनका लॉटरी होगा। ये हमारे पास दो एप्लीकेशंस आए हैं जैसे ही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी राइट साइड दिख रहा है। उसके बाद होगा कैटेगरी वन रेलवे डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट 82 जो है वो एप्लीकेशंस आए हैं हमारे पास। उसके बाद होगा कैटेगरी टू, उसके दो एप्लीकेशंस है। उसके बाद होगा कैटेगरी कैटेगरी थ्री, प्रोजेक्ट में तो है कैटेगरी थ्री, हमारा प्रोजेक्ट स्कूल है इसलिए कैटेगरी थ्री का लॉटरी होगा ये सिक्वेंस में। उसके दो एप्लीकेशंस है। आफ्टर दैट एससी कास्ट कैटेगरी जो है एससी, उसका लॉटरी होगा, 37 एप्लीकेशंस है। उसके बाद एसटी कैटेगरी का 5 एप्लीकेशंस है, उसका लॉटरी होगा। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, उसका लॉटरी होगा, 17 एप्लीकेशंस आए हैं। उसके बाद जो है यहाँ सीक्वेंस भी आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड दिख रही होगी,
ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का लॉटरी होगा, उसके बाद जो है कैटेगरी फोर, आफ्टर दैट कैटेगरी फाइव, आफ्टर दैट कैटेगरी सिक्स, और उसके बाद जो है एसजीसी लॉटरी होगा। इसमें रिकॉर्डिंग आपका हो रहा है या फिर? नहीं सर, रिकॉर्डिंग होगा फेसबुक में तो रहेगा। तो ये सीक्वेंस जो है मैंने आपको बताई लॉटरी की सीक्वेंस, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि 12:30 से 1:30 का टाइम हमें दिया गया है लॉटरी के लिए। तो 12:30 के बाद जो है हम ये सीक्वेंस में लॉटरी करेंगे। लॉटरी जो है वो सिर्फ रैंडम लिस्ट जनरेट होगा कंप्यूटराइज्ड, जो ये वेबसाइट है ऑनलाइन एडमिशन का, उसमें जो लॉटरी होगा वो सिर्फ लिस्ट जनरेशन के लिए है, वो एडमिशन नहीं है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है उसका लिस्ट में नंबर वन पे नाम है तो उसको एडमिशन के लिए पहले चांस मिलेगा, लेकिन चांस मिलेगा लिस्ट में पहला नाम आने से एडमिशन हो गया ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लॉटरी जो है वो सिर्फ लिस्ट जनरेट के लिए है, एडमिशन जो है वो विद्यालय में बाद में होगा, जो लॉटरी का रिजल्ट होगा वो सीक्वेंस में, और वो जो कैटेगरी का जो सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताया वो सीक्वेंस में जो है कैटेगरी वाइज एडमिशन का प्रोसेस बाद में चालू होगा। ये भी बताइए कि जो एडमिशन गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। हमारा विद्यालय जो है उसकी वेबसाइट lamting.kvs.ac.in, ये विद्यालय की वेबसाइट है, इसमें एडमिशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी अपलोड किए हैं। उसमें एडमिशन गाइडलाइंस 2020-21 जो केवीएस का है वो भी उसमें अपलोड किया हुआ है। वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके ही सारे एडमिशंस किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। तो वो गाइडलाइंस जो है आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। मैं विद्यालय की वेबसाइट आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। विद्यालय की जो वेबसाइट है लमडिंग, विद्यालय केवी लमडिंग की वेबसाइट, दैट इज lamting.kvs.ac.in, मैं एक बार स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, lamting.kvs.ac.in। अभी यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे वो एडमिशन का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका डैशबोर्ड है। इसी पोर्टल पे जो है लॉटरी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवी लमडिंग का जो पोर्टल है वो अभी मैंने ऊपर ये खोल के रखा है, लॉगिन करके रखा है। इसमें विद्यालय जो है हमारा प्रोजेक्ट में है, मतलब जो NF रेलवे है उसके अंडर में हमारा स्कूल जो आता है, गुवाहाटी रीजन में है और रूरल ये जो है हमारा एरिया कैटेगरी है। सर्विस कैटेगरी के बारे में भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये जो फिर से लॉगिन करके सर्विस कैटेगरी में प्रोजेक्ट स्कूल जो मैंने अभी आपको बताया हमारा, तो कैटेगरी वन चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग विच आर द स्पॉन्सर्स ऑफ द विद्यालय, जो हमारे केस में वो जो है NF रेलवे, उसमें भी सब कैटेगरीज जो रहती है मैं शॉर्ट में भी बता रहा हूँ। ये सारा जो है मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है इसलिए मैं सिर्फ जो मेन पॉइंट है छोटा करके ही मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सब कैटेगरी वन सर्विंग प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज हुआ पेरेंट्स, कैटेगरी टू में सर्विस प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज हुआ ग्रांड पेरेंट्स, सब कैटेगरी जो थ्री है वन के अंडर में थ्री रिटायर्ड प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज हुआ पेरेंट्स, एंड सब कैटेगरी फोर रिटायर्ड प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज हुआ ग्रांड पेरेंट्स। तो ये सब हमारे केस में जो है वो रहेगा NF रेलवे के बारे में। कैटेगरी टू जो है इसमें आपको दिख रहा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन also includes foreign national officials,
जो है डेप्यूटेशन और ट्रांसफर टू इंडिया ऑन इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी के जो कैटेगरी से स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखा दिए हैं और ये सब चीज़ें जो है इसमें ज़्यादा अभी टाइम नहीं दे रहा क्योंकि स्क्रीन पे आपने देख ही लिया है। अभी जो है लॉटरी डेमो जो प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉटरी कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आरटी का यहाँ पर दिया है आरटी लॉटरी डेमो। तो ये सब जो एप्लीकेशन है ये डमी है, मैं फिर से बता देता हूँ ये सिर्फ डेमो के लिए है, ये डमी है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट का जो है वो नाम है, राइट। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स है, टोटल 200 एंट्रीज है, राइट। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिए है ये प्री लॉटरी नंबर इसको हम कहेंगे, ओके। तो जैसे 1 नंबर पे है राइडर, 2 नंबर पे एशर, 3 नंबर पे वाइन, ये सब है। नाउ आई एम गोइंग टू कंडक्ट द लॉटरी, राइट। तो यहाँ पर कंडक्ट लॉटरी का बटन है और ये बटन जो मैं क्लिक करूँगा उसके बाद कंफर्मेशन में दे रहा हूँ, यस। तो लॉटरी जो है हो गया है, आप देख सकते हैं कि लॉटरी का बटन चला गया है। इसका मतलब ये जो है एक ही बार होगा लॉटरी, 2-3 बार भी हम नहीं कर सकते, एक ही बार में जो होगा वो होगा। सो नाउ द रिजल्ट इज देयर, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। सबसे पहले सीरियल नंबर है जो प्री लॉटरी था, लॉटरी के पहले जो सीरियल नंबर था वो अब यहाँ पर दिख रहा है। एप्लीकेशन कोड है, नाम है और लॉटरी नंबर है यहाँ पर। ये जो लॉटरी नंबर है वो एडमिशन के लिए प्रायोरिटी में यूज किया जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जो राइट साइड जो लॉटरी नंबर के टाइटल में जो सीरियल नंबर दिए गए हैं वो एडमिशन के लिए प्रायोरिटी के लिए यूज किया जाएगा, ओके। और पोस्ट लॉटरी नंबर, यस, इसको हम बोलेंगे पोस्ट लॉटरी नंबर, लॉटरी करने के बाद का जो नंबर है दैट इज पोस्ट लॉटरी नंबर। तो मैं एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ कि जैसे क्लार्क यहाँ पर नाम है वो सीरियल नंबर 111 पे था लेकिन लॉटरी करने के बाद जो है वो अभी 1 नंबर पे आ गया है, तो उसको एडमिशन के लिए पहले चांस मिलेगा आरटी में। दूसरा जो लॉटरी का डेमो है एसजीसी, सीरियल नंबर 1 अभी प्री लॉटरी, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, ओके। ऐसे अलग अलग जो लॉटरी हो गए मेन वो बाद में हो गए, ये सिर्फ जो है हम डेमो कर रहे हैं, ओके। और ये डमी एप्लीकेशन से सारे, तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नाम है, सर्विस कैटेगरी है, सर्विस सब कैटेगरी, ये सब डेटा डिस्प्ले हुआ है। अब मैं जैसे ही लॉटरी कंडक्ट करूँगा, तो इसमें जो लॉटरी के पहले 21 नंबर पे जो था वो अभी लॉटरी के बाद 1st नंबर पे आ गया है। तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया है लॉटरी नंबर, उसको मिला है 1, फिर एमी जो है उसको मिला है लॉटरी नंबर 2। तो ये है पोस्ट लॉटरी नंबर, इसको एडमिशन प्रायोरिटी के लिए यूज किया जाएगा और ये प्रोविजनल होगा। उसके बाद जो है एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसमें डमी एप्लीकेशंस दिया है एससी कैटेगरी के लिए, सीरियल नंबर दिया है, नाम दिया है, एप्लीकेशन नंबर दिया है। और जैसे ही मैं लॉटरी कंडक्ट करूंगा, जैसे ही लॉटरी पे क्लिक करूंगा मैं, तो जो है लॉटरी नंबर ऐड हो गया है और जो शफल हो गया लिस्ट, तो इसमें जो 20 नंबर पे जो था लॉटरी के पहले वो अभी लॉटरी के बाद आ गया है 1st नंबर पे। तो जैसे एंजेलिका है वो 1 नंबर पे आ गई है जो लॉटरी के पहले 20 पे थी और अभी लॉटरी के बाद वो 1 नंबर पे है। उसके
उसके बाद है सर्विस कैटेगरी वन लॉटरी डेमो, सर्विस कैटेगरी वन जो है लॉटरी का प्रोसेस उसमें भी सेम है। अभी जो आपके सामने लिस्ट है वो प्री लॉटरी लिस्ट है, लॉटरी के पहले का अभी लॉटरी कंडक्ट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉटरी का बटन है, लेकिन फिर से बता दूं ये डमी एप्लीकेशन है और ये सिर्फ डेमो है। तो सीरियल नंबर वन है, एमएलिया है। तो लॉटरी के बाद अब देखते हैं ये सारा लिस्ट जो है वो शफल हो जाएगा। मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ और कन्फर्म कर रहा हूँ। तो ये लॉटरी के बाद का जो लिस्ट है वो जनरेट हो गया है। तो लॉटरी के पहले जो सीरियल नंबर 10 पे था वो अभी लॉटरी के बाद 1 नंबर पे आ गया है और उसको लॉटरी नंबर 1 मिला है। तो लॉटरी नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर जो कॉलम ऐड हुआ है उसको ही एडमिशन के लिए प्रायोरिटी दिया जाएगा प्रोविजनली। तो ये लॉटरी हो गया कैटेगरी 1 का जो डमी एप्लीकेशंस है उनका। ये डेमो चल रहा है अभी, मैं सभी पेरेंट्स को बता दूं कि अभी जो चल रहा है वो डेमो चल रहा है सिर्फ लॉटरी का। जो एक्चुअल लॉटरी है वो 12:30 के बाद हम कंडक्ट करेंगे। अदर सर्विस कैटेगरी यहां पर जो एग्जांपल दिया है सर्विस कैटेगरी 2, तो इसमें टोटल 57 डमी कैंडिडेट्स है, डमी एप्लीकेशंस है और ये प्री लॉटरी लिस्ट है लॉटरी के पहले का। और यहाँ सीरियल नंबर भी दिया है और नाम भी दिए हैं। ओके, तो कोई बच्चा हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज एंजेलिका जो है वो अभी 10 नंबर पे है सीरियल नंबर में। अभी हम जो है लॉटरी करेंगे, एक ही बार होगा, एक ही बार मैं क्लिक कर पाऊंगा। मैं लॉटरी के लिए क्लिक कर रहा हूँ, कन्फर्म कर रहा हूँ और ये जो है पूरा ऑटोमेटेड जनरेटेड है सब कुछ जो है। ये पोर्टल में ही ये लिस्ट जनरेट होता है और ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है। सो नाउ जो एंजेलिका जो है वो 10 नंबर पे थी, तो अभी वो 4 नंबर पे है। यहाँ पर लॉटरी नंबर का एक कॉलम ऐड हुआ है, तो ये लॉटरी नंबर का जो सीक्वेंस है वही एडमिशन के लिए सीक्वेंस के लिए प्रोविजनली माना जाएगा। तो एग्जांपल में जो एंजेलिका 10 नंबर पे सीरियल नंबर पे थी वो 10 नंबर भी यहाँ दिखा रहा है, लेकिन लॉटरी नंबर जो है यहाँ पर 4 है। तो इस तरह से ये जो है सारे लॉटरीज हो गए। तो ये जो लॉटरी के जो डेमो है वो मैंने आपको दिखा दिए, कैटेगरी वाइज भी दिखा दिए, जो है रिजर्वेशन एससी उसका भी एक डेमो एप्लीकेशन दिखा दिया, एससी का आरटी का लॉटरी भी दिखा दिया। तो ये डेमो एप्लीकेशन, ये डेमो एप्लीकेशंस के जो थे डमी एप्लीकेशंस के लॉटरी वो दिखा दिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये क्लास 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, ये सब अभी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, ये एडमिशन नहीं हुए है। एडमिशन जो है लॉटरी के बाद जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस के लिए बाद में आपका एप्लीकेशन जो है सीक्वेंस मिलेगा लॉटरी के बाद का, उस हिसाब से आपको एडमिशन के लिए प्रेफरेंस मिलेगा प्रोविजनली। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा सीक्वेंस के हिसाब से। और वो डॉक्यूमेंट भी अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या तो कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो उसको उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, और ये सब जो है ये सब कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड है। इसमें एप्लीकेशंस में अगर आपका कोई मिस्टेक है तो उसमें चेंज करने के लिए अभी कोई प्रोविजन नहीं है, कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे साइड से भी इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। कोई एप्लीकेशन जो है वो अभी डिलीट भी नहीं हो सकता, कोई एप्लीकेशन नया भी नहीं हो सकता, कोई एप्लीकेशन जो है उसमें चेंजेस भी नहीं हो सकते। और ये सब कुछ जो है ये ऑनलाइन पोर्टल जो है उसमें से ही हुआ है। ये हेडक्वार्टर से जो है केवी संगठन का, वहीं से ये सब कुछ जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। विद्यालय लेवल पे इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। हमें जो है सिर्फ आज लॉटरी कंडक्ट करना है। ये जो लॉटरी होगा
जो सीक्वेंस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है वही सीक्वेंस में लॉटरी होगा। फिर से एक बार मैं सीक्वेंस रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले होगा आरटीए लॉटरी, उसके बाद होगा डिफरेंटली एबल्ड, उसमें भी कैटेगरी वाइज है। सबसे पहले डिफरेंटली एबल्ड एससी लॉटरी, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड एसटी लॉटरी, उसके बाद है डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उसके बाद है डिफरेंटली एबल्ड जनरल एंड ओबीसी क्रीमी लेयर, उसके बाद होगा कैटेगरी वन सर्विस कैटेगरी वन, उसके बाद होगा सर्विस कैटेगरी टू, उसके बाद होगा सर्विस कैटेगरी थ्री, उसके बाद है एससी लॉटरी, उसके बाद है एसटी लॉटरी, उसके बाद जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लॉटरी, उसके बाद है सर्विस कैटेगरी फोर लॉटरी, उसके बाद है सर्विस कैटेगरी फाइव लॉटरी, उसके बाद है सर्विस कैटेगरी सिक्स, एंड लास्ट में जो है एसजीसी दैट इज सिंगल गर्ल चाइल्ड लॉटरी। ट्वेल्व थर्टी के बाद जो है हम एक्चुअल लॉटरी करेंगे। इसमें ये जो हो रहा है इसका अभी आपने कनेक्ट कर दिया प्रिंटर से नहीं हुआ तो डाउनलोड हो जाएगा। चलो डाउनलोड कर लेना थोड़ी थोड़ी देर में वॉइस चेक करते रहना। दस में से चार तो हमारे खुले के पांच तक पेरेंट आए थे। अच्छा भेज दिया हम। अच्छा अभी माइक चालू है। आठ लोग को देख रहे थे आठ हम अपना बुझा देते हैं आठ में से तीन चार का अपने ये ट्वेल्व हो गए चार तो अभी है एक जैन तो सर है अच्छा एक जैन तो सर नहीं देख रहा है वो अंदर आने के लिए चीज़ है वो अंदर पहचान है
अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक्चुअल लॉटरी के पेज में जो है, मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ अभी लॉटरी का बटन नहीं है, क्योंकि ये जो हमें टाइम दिया गया है वही टाइम पे लॉटरी होगा। ऊपर मैसेज भी लिखा है कि दिस लॉटरी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बिटवीन 11:08:20, 12:30 PM एंड जो है 1:30 PM के बीच में ही होगा। तो अभी जो है मैं लॉटरी कर नहीं सकता, ये जो टाइम होगा उसके बाद जो है वही लॉटरी होगा, और जो एंड टाइम है उसके पहले ही लॉटरी करना होगा। और कुछ ही देर में, मतलब समझ लो कि बस 1-2 मिनट में ही जो है हम लॉटरी करने वाले हैं। तो जो भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कृपया ट्यून्ड रहिए, और लॉटरी का जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट जो है एडमिशन के लिए उसको जो है कंसीडर किया जाएगा। लॉटरी जो है वो 2 बार नहीं हो सकती, वो 1 ही बार होगी। तो लॉटरी हम बस अभी करने वाले हैं, तो ट्यून्ड रहिए। लॉटरी का जो रिजल्ट है वो आज 4 बजे जो है वो विद्यालय की वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा एडमिशन सेक्शन में। विद्यालय की जो वेबसाइट है वो अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाई है। विद्यालय की जो वेबसाइट है वो है lumding.kvs.ac.in। ये वेबसाइट पे भी जो है लॉटरी का रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा आज ही 4 बजे। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हमारे विद्यालय में 2 सेक्शंस है, तो जो है 20 सीट्स कुल मिला के हमारे पास जो है आरटी की है, और अभी हमारे पास जो है टोटल 61 एप्लीकेशंस है। 61 एप्लीकेशंस में से जो फर्स्ट 20 हो गए लॉटरी के बाद जो फर्स्ट 20 हो गए उसको जो है प्रायोरिटी मिलेगा कि जो है एडमिशन के लिए उनको हम बुलाएंगे। अगर उसमें से कोई कैंडिडेट जो है वो एडमिशन नहीं कर पाता सक्सेसफुली, तो फिर जो है लिस्ट में जो वेटिंग में हो गए उसको चांस मिल सकता है। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो नाउ जो है लॉटरी का बटन आ गया है, टाइम हो गया है हमारे पास। तो अभी जो हमारे पास सीक्वेंस है आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर, ये रियल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। नाम जो है शिवम सरकार, सीरियल नंबर 2 आदित्य कुमार रक्षित, ये एक्चुअल डेटा है। मैं आपको बता देता हूँ टोटल 61 एप्लीकेशन है, ये पेज नंबर 2 में जा रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 51 से 61 यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये एप्लीकेशन एक्चुअल सबमिट हुए वो है। अब मैं जो है लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूँ। ये बताओ ये सीरियल नंबर प्री लॉटरी है, ये जो सीरियल नंबर अभी आपने देखे या देख रहे हैं अभी, ये अभी प्री लॉटरी है, मतलब लॉटरी के पहले के सीरियल नंबर। अभी लॉटरी हुआ नहीं है, लॉटरी के बाद जो है दूसरा नंबर मिलेगा वही एडमिशन के लिए माना जाएगा, जो लॉटरी नंबर होगा वो। ठीक है सर, अभी हमारे साथ जो है यहाँ विद्यालय से ही हम ये ऑनलाइन जो है लाइव लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ विद्यालय में विद्यालय के प्रिंसिपल श्री भी उपलब्ध है, यहाँ पर है हाजिर, चेयरमैन जो है विद्यालय के, उनके नॉमिनेशन से भी जो हमारे साथ एक ऑफिसर यहाँ पर हाजिर है। पेरेंट्स मेंबर में से भी हमारे साथ एक श्रीमान यहाँ पर मौजूद है, तो और मैं जो हूँ एडमिशन इंचार्ज हूँ, तो ये सभी की उपस्थिति में जो है हम सब यहाँ पर लाइव लॉटरी जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, और मैं आपको लाइव स्क्रीन दिखा रहा हूँ कंप्यूटर का। तो मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, तो यहाँ पर जो है आप सीरियल नंबर देख रहे हैं, ये प्री लॉटरी है, लॉटरी के पहले का। टोटल इसमें 61 कैंडिडेट्स है आरटीई के लिए। तो अभी मैं लॉटरी करूंगा, आई एम रेडी फॉर लॉटरी। आप सब भी जो है अलर्ट रहिए, एक ही बार लॉटरी होगा
एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर लॉटरी कंडक्ट. तो ये आरटी का लॉटरी जो है वो हो गया है सक्सेसफुली. आई होप कि आपको स्क्रीन में जो है ये दिख गया होगा. सीरियल नंबर जो 29 था उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है. 49 जो था उसको लॉटरी नंबर 2 मिला है. यहाँ पर जो आप लॉटरी नंबर देख रहे वही फाइनल माना जाएगा और उसको ही एडमिशन सीक्वेंस के लिए प्रेफरेंस के लिए कंसीडर किया जाएगा. मैं सभी कैंडिडेट्स का जो एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ. यहाँ 20 तक जो है उनको प्रोविजनली हम मान रहे हैं एडमिशन के लिए, और क्योंकि हमारे पास 20 सीट्स है आरटीई के लिए. उसके बाद जो है वो वेटिंग लिस्ट में आ रहा है नाम, वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2. तो पेज 2 जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. तो जो सीरियल नंबर 8 था उसको अभी मिला है 51, 12 को मिला है 52, और इसी तरह से सभी को जो है ये लॉटरी नंबर जो मिला है वो यहाँ तक है. टोटल 61 एंट्रीज इसमें है आरटीई में. तो ये आरटीई का हो गया लॉटरी. मैं ये जो लिस्ट ये लॉटरी दोबारा नहीं हो सकता, और यही जो है फाइनल है, यही जो है परमानेंट माना जाएगा इस सेशन के लिए. मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूं और यही जो रिजल्ट है वो विद्यालय की वेबसाइट में भी मिल जाएगा. मैं फिर से कैंडिडेट्स के नाम जो है वो दिखा देता हूं धीरे धीरे करके. आप जो है ठीक से देख ले, और ये जो रिजल्ट है वो विद्यालय की वेबसाइट में भी डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन ये जो लाइव चल रहा है उसमें आप ठीक से देख सकते हैं. पेज 2 में दिखा देता हूं मैं जो आपको लॉटरी का सीक्वेंस मिला है वो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं. मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, ये आरटी का लॉटरी है. इसके बाद जो है हम डिफरेंटली एबल्ड सर्विस कैटेगरी 1, सर्विस कैटेगरी 2 उसका भी लॉटरी करने वाले हैं. अभी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आरटी का लॉटरी है. फर्स्ट लॉटरी अभी हमने किया है. तो ये जो 61 कैंडिडेट्स है उनका लॉटरी का रिजल्ट अभी आपने देख लिया. नाउ आई एम गोइंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी. यहाँ हमारे पास एक एप्लीकेशन आया है, एक एप्लीकेशन जो है उसका भी जो है लॉटरी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है तो लॉटरी करना है हमें. तो ये उनका आफ्टर लॉटरी जो है ये रिजल्ट है. एक ही कैंडिडेट है और लॉटरी नंबर जो है उसको 1 मिला है. उसके बाद जो है एसटी कैटेगरी में चला जाता हूँ. डिफरेंटली एबल्ड एसटी कैटेगरी उसमें हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आए है. उसके बाद मैं जा रहा हूँ डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर. इसमें भी हमारे विद्यालय में कोई एप्लीकेशंस नहीं आए है. उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड
जनरल एंड ओबीसी क्रीमिलेयर, इसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन आया है, इसका लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूं मैं, जो मैंडेटरी है। तो पोस्ट लॉटरी जो है उसको वन नंबर मिला है, उसके बाद हम जा रहे हैं सर्विस कैटेगरी वन लॉटरी। आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं जो सीक्वेंस नंबर दिया है लॉटरी का, वही सीक्वेंस में जो है हम लॉटरी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये सर्विस कैटेगरी वन है, टोटल हमारे पास जो सीट्स है दो सेक्शन का कुल मिला के, उसमें से जो आरटी कैटेगरी डिफरेंटली एबल्ड एंड स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, ये सब मिला के जो है 32 सीट्स जो है निकल जाते हैं इसमें से। उसका नीचे समरी भी दिया हुआ है, आरटी जो सीट्स है वो 20 है, जो पहले लॉटरी हो चुका है, डिफरेंटली एबल्ड जो है उसका दो, जिसमें इसका सब्सटीट्यूट इसका जो सब देखे कैटेगरी, तो डीए में एससी 1, डीए एसटी 0 एप्लीकेशन से, डीए ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर 0 एप्लीकेशन से, डीए जनरल 1 एप्लीकेशन था, उसका सबका लॉटरी हो गया है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा 10, तो हमारे जो है ये कैटेगरी 1 वाले जो है वही जो है हमारा एनएफ रेलवे का है, और यही जो है हमारा स्पॉन्सरिंग एजेंसी का जो एप्लीकेशन से यही है। तो सर्विस कैटेगरी 1 जो है अभी प्री लॉटरी लिस्ट आप देख रहे हैं, टोटल 82 एप्लीकेशन आए हैं, और सीरियल नंबर अभी आप जो देख रहे हैं वो प्री लॉटरी सीरियल नंबर है, मतलब लॉटरी के पहले का। मैं आपको दिखा देता हूं सभी कैंडिडेट्स का, सेकेंड पेज, तो 82 कैंडिडेट्स से ये प्री लॉटरी जो है लिस्ट आप देख रहे हैं लॉटरी के पहले का। नाउ आई एम रेडी टू कंडक्ट लॉटरी। सर्विस कैटेगरी 1 का लॉटरी हम कर चुके हैं, एक ही बार होगा, और ये लॉटरी हो चुका है, तो यहाँ लॉटरी नंबर आपको एलोकेट हुआ है, तो लॉटरी नंबर 1 जिसको मिला है उसको ये सर्विस कैटेगरी 1 में एडमिशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। जो लॉटरी नंबर है उसी के हिसाब से हम जो है एडमिशन के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ जो सीरियल नंबर 21 था लॉटरी के पहले, उसको मिला है फर्स्ट नंबर, जो 3 नंबर था उसको मिला है 2 नंबर। ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, मैं आपको बता दूँ ये ऑनलाइन एडमिशन का जो पोर्टल है सब कुछ जो है ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स का जो है लिस्ट में आपको बता देता हूँ स्क्रॉल करके। पेज नंबर 2, तो यहाँ जो 82 कैंडिडेट्स है उसका लिस्ट यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और ये जो है लॉटरी के बाद का जो है ये रिजल्ट है। हाँ सर, नाउ आई एम गोइंग फॉर सर्विस कैटेगरी 3, सर्विस कैटेगरी 2, आई एम सॉरी माई मिस्टेक, जो है अभी हमने किया है सर्विस कैटेगरी 1, तो अभी हम जा रहे हैं सर्विस कैटेगरी 2 की लॉटरी के लिए। Yeah.
कैटेगरी टू जो एप्लीकेशंस है हमारे पास, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कुल मिला के दो सेक्शन का कुल मिला के 80 सीट्स है, उसमें से जो रिजर्वड है वो 32 सीट्स है, तो उसके बाद जो है हमारे पास रहते हैं 48 सीट्स। अब 48 सीट्स में से अगर कैटेगरी वन जो है वो पहले जो है वो फिल होगा, 58 सीट्स जो है वो सर्विस कैटेगरी वन से जो है वो फिल किया जाएगा। अगर सर्विस कैटेगरी वन से अगर सीट खाली रहता है तो सर्विस कैटेगरी टू जो है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं फिर से बता दूं कि दो एप्लीकेशन से, लेकिन अगर जो फर्स्ट नंबर आया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एडमिशन हो जाएगा। अगर सीट खाली है तो फिर अगर आरटीई फिल करने के बाद डिफरेंटली एबल्ड जो है, जो रिजर्वेशन वाले जो सीट है वो सब फिल करने के बाद या 32 सीट्स फिल करने के बाद जो है हमारे पास कैटेगरी वन को भी फिल करने के बाद अगर हमारे पास कोई खाली रहता है तो फिर जो है कैटेगरी टू जो है उसमें से एडमिशन के लिए प्रेफरेंस माना जाएगा। तो दो एप्लीकेशन हमारे पास है, उनका हम लॉटरी कर देते हैं। ये पहले का जो लिस्ट है प्री लॉटरी लिस्ट है, सीरियल नंबर 1 और 2, रिशु दे एंड कुणाल धरनाल। मैं लॉटरी पे क्लिक कर रहा हूँ, कंडक्ट लॉटरी, एक ही बार होगा। तो यहाँ पर जो है लॉटरी हुआ है, लॉटरी नंबर 1 और लॉटरी नंबर 2, लेकिन ये दोनों को वेटिंग में दिखा रहा है क्योंकि जो है कैटेगरी 1 के बाद जो है कैटेगरी 2 को प्रेफरेंस मिलता है। इसलिए आफ्टर दिस कैटेगरी 2 सर्विस कैटेगरी 2 लॉटरी नहीं, प्रोजेक्ट। जैसे कि हमारा स्कूल जो है वो प्रोजेक्ट स्कूल है, आप देख सकते हैं केवी लर्निंग प्रोजेक्ट स्कूल, एनएफ रेलवे का प्रोजेक्ट स्कूल है। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट सीक्वेंस जो है लॉटरी का वो सर्विस कैटेगरी 3 है, और ये वेबसाइट में भी यही सीक्वेंस में दिया है। तो सर्विस कैटेगरी 3 जो है उसका लॉटरी अभी हम कंडक्ट करेंगे। इसमें दो एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं और ये एप्लीकेशंस जो है इसका लॉटरी में अभी कंडक्ट कर रहा हूँ। अभी जो सीरियल नंबर 1 और 2 है वो प्री लॉटरी है, लॉटरी के पहले का। नाउ आई एम क्लिकिंग कंडक्ट लॉटरी। तो जैसे ही लॉटरी क्लिक किया तो इसमें लॉटरी नंबर जो मिला है 1 और 2, ये जो है एडमिशन के लिए प्रेफरेंस माना जाएगा, और यही लॉटरी जो रिजल्ट है वही फाइनल है। लॉटरी जो है ये एक ही बार होता है और ये सारा कंप्यूटराइज है। तो ये सर्विस कैटेगरी 3 का लॉटरी करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जो है हमारे पास कुल मिला के जो है 36 एप्लीकेशंस आए हैं। ये 36 एप्लीकेशंस जो आए हैं इसमें से हमारे पास दो सेक्शन में कुल मिला के 12 जो सीट्स है वो रिजर्वड है। तो किसका वो लॉटरी में नहीं होता, फिल किया था नहीं, वो नहीं दिखाया लॉटरी में। सो ये प्री लॉटरी लिस्ट है एससी कैटेगरी के लिए, 36 एप्लीकेशंस है, इसमें से जो है हम 12 जो फर्स्ट आएंगे उनके लिए जो है रिजर्व रहेगा प्रोविजनली। हाँ यस यस यस, ये एस पर जो केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस, अगर आरटीई में कोई एससी वाला आ रहा है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है मिलेगा। जो लॉटरी का जो सीक्वेंस हमने किया उसमें भी सीक्वेंस जो है वो पहला सीक्वेंस है, उसके बाद लॉटरी का सीक्वेंस है। मान लो कि यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, मान लो कि कोई कैंडिडेट है, सपोज कैंडिडेट जेड, उसका नाम है जेड, वो कैंडिडेट जेड जो है आरटीई की लॉटरी में उसको एडमिशन मिल गया है,
एससी कैटेगरी का है लेकिन आरटी में लॉटरी में उसको मिल गया है, तो यहाँ पर मान लो कि इसका नाम जो है पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया है एससी कैटेगरी में, तो भी उसका जो एडमिशन है वो हो जाएगा आरटी में। तो हमारे पास जो 12 एससी के रिजर्व सीट है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो इसके पहले के जो हमने लॉटरीज किए RTE डिफरेंटली एबल्ड सर्विस कैटेगरी 1, सर्विस कैटेगरी 2, सर्विस कैटेगरी 3, इसमें से जो एससी के एडमिशन हो गए हैं उसको निकाल के जो है फिर ये एससी का सीक्वेंस जो है उसको प्रायोरिटी माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिए है वो प्री लॉटरी है, अभी इसका लॉटरी कंडक्ट नहीं हुआ है। मैं जो है पूरा लिस्ट डिस्प्ले कर देता हूँ स्क्रीन पे। कुल मिला के हमारे पास 36 एंट्रीज है, लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूं मैं, एक ही बार होगा कंफर्म कर रहा हूं। ये जो है आफ्टर लॉटरी रिजल्ट है, जो सीरियल नंबर 4 था उसको 1 मिला है, जो 7 था उसको 2 मिला है नंबर। पूरा लिस्ट जो है मैं दिखा देता हूँ, कुल मिला के 36 कैंडिडेट्स है। तो ये जो पोस्ट लॉटरी जो सीक्वेंस है वो एज ए लॉटरी नंबर दिखाया गया है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर वेटिंग में जो है तो वो भी वेटिंग लिस्ट का जो नंबर है वो प्रायोरिटी माना जाएगा। मान लो कि अगर कोई कैंडिडेट जो है पहले का वो कैंसिल करता है, तो वेटिंग लिस्ट में अगर चांस मिल रहा है तो वेटिंग लिस्ट में जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट चांस मिलेगा, जो टू है उसको सेकंड चांस मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट का जो नंबर है वो भी एडमिशन प्रेफरेंस के लिए वो सीक्वेंस में माना जाएगा। Now we are moving forward to the next category, that is ST lottery. आगे बढ़ रहे हम लोग ST lottery की तरफ। ST lottery जो है हमारे पास दो section में कुल मिला के 6 seat जो है वो होती है, और अगर जो पहले की जो लॉटरी की उसमें से जो अगर ये एडमिशन हो गए तो 6 में से उसको माइनस किया जाएगा, और उसके बाद ये जो लॉटरी का रिजल्ट होगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास 5 एप्लीकेशंस आए हैं, ये 5 एप्लीकेशंस आए हैं उसका हम लॉटरी करते हैं। अभी प्री लॉटरी का रिजल्ट आपके सामने है, प्री लॉटरी का लिस्ट आपके सामने है, मैं लॉटरी कंडक्ट करूंगा। यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो लॉटरी के बाद का है, यहाँ लॉटरी नंबर आप देख सकते हैं वो एडमिशन के लिए जो सीक्वेंस है उसके लिए यूज किया जाएगा लॉटरी नंबर। ये लॉटरी के बाद का जो एसटी कैटेगरी के लिए लॉटरी के बाद का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। अब हम आगे बढ़ रहे ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए हमारे पास जो है 22 सीट्स है, दो सेक्शन में कुल मिला के टोटल 22 सीट्स है, और हमारे पास एप्लीकेशंस जो है वो भी आए हैं 17। तो इसका जो है हम लॉटरी ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं। नीचे कर देना,
तो इसमें अगर आरटी में या तो कैटेगरी वन में ऑलरेडी एडमिशन के लिए कंसीडर हो चुके हैं लॉटरी नंबर में, तो फिर उसके बाद वो सीट माइनस करने के बाद जो है ये लिस्ट जो है वो हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो है इनका मैं लॉटरी कर रहा हूँ अभी ऑर्गेनाइज। यहाँ पर जो है लॉटरी के बाद का जो रिजल्ट है नंबर है वो आप देख लीजिए ध्यान से, लॉटरी नंबर जो दिया है वो एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा सीक्वेंस के लिए। और ये जो रिजल्ट है मैं फिर से बता दूं, विद्यालय की जो वेबसाइट है learning.kvs.ac.in इसमें भी ये रिजल्ट डिस्प्ले जो है वो किया जाएगा। तो 17 एंट्रीज है हमारे पास, ये पूरा लिस्ट जो है वो मैंने डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पर। लॉटरी का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। बीच बीच में स्टॉप करते जाना क्योंकि मेमोरी फुल हो जाएगा ना, तो फिर पूरा वीडियो जाएगा। कमिटी का भी ले लेना थोड़ा थोड़ा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे सर्विस कैटेगरी फोर। सर्विस कैटेगरी फोर का लॉटरी हम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज जो है यहाँ पर क्लियर कर दूं, ऊपर के जो हमने पहले लॉटरी किए आरटी डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी सर्विस कैटेगरी वन सर्विस कैटेगरी टू सर्विस कैटेगरी थ्री एससी एसटी ओबीसी ये सब जो है एडमिशन होने के बाद अगर सीट खाली रहती है तो सर्विस कैटेगरी फोर को कंसीडर किया जाएगा। यहां पर हमारे पास चार एप्लीकेशंस आए हैं, मैं लॉटरी इनका कर रहा हूं, लिस्ट आपके सामने प्री लॉटरी लिस्ट है ये लॉटरी के पहले का। ये रिजल्ट आपके सामने लॉटरी के बाद का पोस्ट लॉटरी लॉटरी नंबर आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस मिला है वो आपके सामने है चार कैंडिडेट का। आगे बढ़ रहे हैं हम सर्विस कैटेगरी फाइव की लॉटरी के लिए। दो एप्लीकेशंस हमारे पास है, ये दो एप्लीकेशंस जो है प्री लॉटरी लिस्ट आप देख सकते हैं और इसका लॉटरी हम कर रहे हैं। तो ये लॉटरी के बाद का रिजल्ट जो है आपके सामने है, वन एंड टू दो कैंडिडेट से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कैटेगरी सिक्स के लिए। यहाँ पर जो आप लिस्ट देख सकते हैं अभी आपके सामने लिस्ट है वो प्री लॉटरी लिस्ट है लॉटरी के पहले का। कुल मिला के हमारे पास 41 एप्लीकेशंस आए हैं कैटेगरी सिक्स के लिए। जो लिस्ट अभी आपके सामने है वो प्री लॉटरी लिस्ट है, सीक्वेंस नंबर जो है आपको दिया गया है प्री लॉटरी सीक्वेंस नंबर। इनका लॉटरी जो है हम कंडक्ट कर रहे हैं। अभी आपके सामने जो है ये लॉटरी का रिजल्ट है। तो यहां पर लॉटरी नंबर जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं। ये तो
लॉटरी का रिजल्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूं अभी सामने, कुल मिला के 41 कैंडिडेट्स हमारे पास जो है एडमिशन करने के लिए जो है सीक्वेंस जो लॉटरी का हुआ उसी सीक्वेंस में जो है एडमिशन प्रोसेस होगा। और फाइनली जो एडमिशन जो है वो मैं फिर से बता दूं कि केवीएस का एडमिशन का गाइडलाइंस जो है 2020-21 का, उसी गाइडलाइंस के हिसाब से सारे एडमिशंस जो है वो किए जाएंगे। तो ये कैटेगरी 6 में जो एडमिशन जो हुए है, सॉरी माय मिस्टेक, जो रजिस्ट्रेशन हुए उनका लॉटरी का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, पोस्ट लॉटरी रिजल्ट। एसजीसी लॉटरी में हम आगे बढ़ रहे हैं। एसजीसी लॉटरी में एसजीसी के लिए एप्लीकेशन जो है हमारे पास आए हैं 31 और दो सेक्शन में कुल मिला के हमारे पास 4 सीट्स अवेलेबल है। तो 4 सीट के लिए हमारे पास जो है 31 कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन आया है। तो लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, प्री लॉटरी लिस्ट, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो लॉटरी के पहले का लिस्ट है। 31 कुल एप्लीकेशंस आए हैं, इनका लॉटरी में कंडक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लॉटरी नंबर मिला है वही जो है एडमिशन की सीक्वेंस के लिए जो है इसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें से 4 लोग जो है वो अभी प्रोविजनली जो है एडमिशन के लिए माने जाएंगे, इसके बाद जो है नंबर 5 से ऑनवर्ड्स वो अभी वेटिंग में रहेंगे। ये जो लिस्ट है वो पोस्ट लॉटरी लिस्ट है, लॉटरी करने के बाद का जो लिस्ट है वो आपके सामने टोटल 31 एप्लीकेशंस का लिस्ट जो है मैंने आपको दिखाया है। यहां पर जो है हमने सारे लॉटरी जो है वो कर दिए है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि जो है सबसे पहले हमने किया आरटी का लॉटरी, उसके बाद हमने किया डिफरेंटली एबल्ड एससी, डिफरेंटली एबल्ड एसटी जिसमें कैंडिडेट थे उनका लॉटरी हुआ है, डिफरेंटली एबल्ड एसटी, डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, डिफरेंटली एबल्ड जनरल ओबीसी क्रिमिलियर। उसके बाद हमने लॉटरी किया सर्विस कैटेगरी 1, उसके बाद सर्विस कैटेगरी 2, उसके बाद सर्विस कैटेगरी 3, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी, उसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, उसके बाद सर्विस कैटेगरी 4, उसके बाद सर्विस कैटेगरी 5, उसके बाद सर्विस कैटेगरी 6 और लास्ट में अभी हमने किया एसजीसी लॉटरी। मैं फिर से आरटी लॉटरी में जाके आपको दिखा देता हूँ कि अभी यहाँ पर फिर से लॉटरी नहीं हो सकता। ये जो फर्स्ट हमने लॉटरी किया था उसका रिजल्ट जो है वही जो है आपके सामने है, और जो फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स थे उनको जो है एडमिशन के लिए प्रोविजनली अभी हम मान रहे हैं, बाकी के जो है वो वेटिंग में रहेंगे। और ये जो लॉटरी का रिजल्ट है वही फाइनल है, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता सीक्वेंस में, और लॉटरी जो है वो फिर से होगा भी नहीं, और 1:30 पे जो है ये सब कुछ जो है वो लॉक भी हो जाएगा, और लॉटरी जो है वो एक बार करने के बाद जो है वो लॉक हो गया है। मैं दूसरे भी दिखा देता हूँ, जैसे डिफरेंटली एबल्ड जो है एससी कैटेगरी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लॉटरी का बटन नहीं है। मैं सर्विस कैटेगरी 1 में जाके भी दिखा देता हूँ, सर्विस कैटेगरी 1 में जो हमारे पास 82 एप्लीकेशंस थे उनका रिजल्ट आपके सामने है, लॉटरी का लॉटरी नंबर जो है वही एडमिशन सीक्वेंस के लिए माना जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लॉटरी का जो बटन था वो अभी चला गया है, रेड कलर का जो बटन था वो अभी चला गया है। और यहाँ पर जो है हमारे पास
लॉटरी का जो रिजल्ट है उसका लिस्ट अवेलेबल है, और ये विद्यालय की जो वेबसाइट है lumding.kvs.ac.in उसमें भी ये जो लिस्ट है हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये जो है हमारा लॉटरी का जो प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो होता है। नहीं वो तो हम एडमिट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई उसके बाद टिक मारेंगे। ये ना वही मैं बता रहा हूँ जिसका एडमिशन बता दो, ये जो ये वैसी वाली लिस्ट निकली है ना, हाँ तो इसका एक वो भी बता दो कि ये जो देखा है ना नॉन एलिमिनेटेड उसके बारे में बता दो, तो जब एडमिशन हो जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा इस पर टिक हो जाएगा। पोस्ट लॉटरी वाली जो लिस्ट है हाँ जो दिखाया है नॉन एड नॉट एडमिटेड नॉन एड नॉन एलिमिनेटेड उसके बारे में लोगों को बता देना कि ठीक हो जाएगा इसका भी क्या है। आपका एक दो चीज़ें और भी है जो आपको जाननी ज़रूरी है। पेरेंट्स ने जो लॉगिन करके एप्लीकेशन सबमिट किया है वही लॉगिन से जो है वो खुद ही जो KVS ऑनलाइन एडमिशन का जो वेबसाइट है जहां आपने फॉर्म फिल किया है उसमें लॉगिन करके भी आप कौन कौन सी लॉटरी में आपका कौन कौन सा नंबर आया है वो आपको उसमें दिखा देगा। तो वहाँ जाके भी आप अपनी खुद की एप्लीकेशन के लिए आपको कौन सा लॉटरी में कौन सा सीक्वेंस मिला है वो आपको उसमें मिल जाएगा। विद्यालय की जो वेबसाइट है उसमें भी ये लिस्ट जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे ही किसी बच्चे का एडमिशन करेंगे तो यहाँ पर हम टिक करने से उसका एडमिशन जो है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ये लिस्ट है अभी प्रोविजनल प्रेफरेंस के लिए लिस्ट बना है, ये फाइनल एडमिशन नहीं है, ये सिर्फ लॉटरी का रिजल्ट है, सीक्वेंस है एडमिशन के प्रेफरेंस के लिए। एडमिशन जो है इसके बाद जो है इसका जो प्रोसेस होगा वो एडमिशन फॉर्म फिल करके आपने जो अभी फिल किया वो रजिस्ट्रेशन है और एडमिशन फॉर्म जो है वह विद्यालय में भरना होता है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अटैचमेंट जो आपको दिखाए गए थे एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म में भी प्रिंट में नीचे लिखा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब जमा करने के बाद और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद सब कुछ जो है आपका एडमिशन फाइनल होने के बाद जो है यहाँ पर हम एडमिशन स्टेटस जो है उसमें एंट्री करेंगे कि इसका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। और जो फाइनल हो जाएगा उसके बाद जो है मान लो कि किसी बच्चे का या तो डॉक्यूमेंट जो है वो ठीक नहीं हुआ या तो जमा नहीं कर पाए या तो पेरेंट जो है वो विद्यालय में जो है एडमिशन कैंसिल करवाता है या तो नहीं आ पाता या तो नहीं आता है तो उस टाइम जो है वेटिंग लिस्ट वाले जो है उसमें से एडमिशन जो उसके लिए आगे सिक्वेंस आगे बढ़ेगा। ये तो डेमो वाले हैं, डेमो ये भी डेमो वाले हैं, ये आरटी प्री आरटी पोस्ट डीए डीए का बाकी है।
DASC प्री एंड पोस्ट, उसके बाद हुआ कैटेगरी वन प्री पोस्ट, टू प्री पोस्ट, ये सब तो डेमो वाले हैं। और इसमें ये करना है कि प्री वालों को अलग कर देना, एक प्री को एक फोल्डर में डालना, पोस्ट को एक फोल्डर में डालना। अभी हमने वो पोस्ट लिखा, प्री का भी क्या करना है, तो एक फोल्डर में दो फोल्डर बना लेना और उसमें जो है लिख देना पोस्ट वाले का फ्रेंड निकाल लेना। अभी तो है ही नहीं, जैसे वो टिक करते जाएंगे उसके बाद यहाँ दिखेगा। अभी तो सब इतना दिनों का दो कॉपी में निकाल दो, एक को हम अपने यूज के लिए रखेंगे, एक में साइन करके और उसमें थोड़ा स्पेस है तो ज्यादा ठीक है। चलो निकलवा देखते हैं, तो ये लास्ट पेज पे भी कराने से होगा। अच्छा एक पे करवाना, एक पे होगा ना, अभी एसी है उसमें वो भी है, होती है हमारी फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मिल जाएगा, सेकंड वीक मिल जाए वो आपका जीडी बीएमसीडी।
एमओबीसी क्या होता है? केंद्रीय विद्यालय लामडिंग का जो ऑनलाइन लॉटरी का ये लाइव सेशन था, मैं सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो है लॉटरी का जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो कंसीडर किए जाएंगे, लॉटरी सीक्वेंस जो मिला है उनको और लॉटरी का जो सीक्वेंस हुआ है उस हिसाब से एडमिशन के लिए प्रोविजनली माना जाएगा। और ये जो है विद्यालय की वेबसाइट जो है नीचे कोने में दिखाई दिया है lamding.kvs.ac.in, उसमें भी हम डिस्प्ले करेंगे। और आज के आज जो ये लॉटरी का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हुआ, लॉटरी हमने सारे कैटेगरीज के कर दिए हैं और आप सभी हमारे साथ जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब जैसे जो 5 बच गए, मैं ये पूछ रहा हूँ, एसटी का भी 6 सीट है लेकिन हमारे पास एसटी की 5 ही सीट है, तो इनके